अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। 10th क्लास से मुताले पाकिस्तान। बेटा आज का हमारा लेक्चर है पाकिस्तान के अहम माशरती मसाइल। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अहम माशरती मसाइल पे नोट लिखें। इसमें सबसे पहले अफरात आबादी। अफरात आबादी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लें। अफराद आबादी से कौन से मसाइल पैदा हो रहे हैं, यह एक्सरसाइज का शार्ट क्वेश्चन है। अफराद आबादी से कौन से मसाइल पैदा हो रहे हैं। नंबर एक, पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के फीकस आमदनी पर मनफी असरात। नंबर टू, इससे बचत के मौके कम हो रहे हैं और मियारे ज़िंदगी भी गिर रहा है, ये शार्ट क्वेश्चन है। अफराद आबादी से कौन से मसाइल पैदा हो रहे हैं, फ़ी का सामदनी में मनफी असरात। नंबर टू, बचत के मौके कम। नंबर थ्री, मियारे ज़िंदगी गिर रहा। अहम माशरती मसाइल में नंबर टू, सेहत व सफाई की अबतर सूरत हाल। पाकिस्तान में सेहत व सफाई की अबतर सूरत हाल की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में हर साल कई कीमती जानें ज़ाया हो रही। नेक्स्ट पॉइंट, नाख्वांदगी और जहालत। नाख्वांदगी और जहालत भी पाकिस्तान का एक अहम मुआशरती मसला है। नाख्वांदगी से अफराद में अच्छे और बुरे में तमीज़ करने की सलाहियत कम हो जाती है और वह इक्तसादी तरक्की में कोई अहम करदार अदा नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, कमज़ोर मईशत। पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत के बायस लोगों का बेरोज़गार होना भी एक माशरती मसला है, जो मुल्क में इंतशार के अजाफे का बायस बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुरबत व अफलास। पाकिस्तान में रोज़गार के मुनासिब मौके ना होने की वजह से पाकिस्तान में गुरबत व अफलास है, इसीलिए लोगों का मियारे ज़िंदगी भी पस्त है। गुरबत के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि नई मलाजमतें पैदा की जाएं और वसाइल बेहतर किए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, दौलत की गैर मुसावी तकसीम। पाकिस्तान में दौलत की गैर मुसावी तकसीम से अमीर तर और गरीब तर होता जा रहा, जिसकी वजह से कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। बेटा ये है हमारा आज का लेक्चर कि पाकिस्तान के अहम माशरती मसाइल पर नोट लिखें। इसमें एक शार्ट क्वेश्चन आ गया कि अफराद आबादी से कौन से मसाइल पैदा हो रहे हैं। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना है और इसको आपने याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।